नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन बहुत हैपनिंग वाला दिन है। सप्ताह का पहला दिन है। संजय राउत की 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और 9 दिन से ईडी की कस्टडी में है शिवसेना के सांसद। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनकी पत्नी से 9 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। ये तो थी संजय राउत की बात। एक और खबर बहुत चल रही है सोशल मीडिया पर भी। नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर में आज बुलडोजर चला। ये वही श्रीकांत त्यागी हैं जिन्होंने एक महिला को धक्का दिया था। उन्होंने आज अपने सरेंडर के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है और नापतोल करने के बाद उनकी 10 दुकानें ढा दी गई हैं। उनकी प्रेमिका भी हिरासत में है। लेकिन इनसे भी बड़ी एक खबर है। बिहार में एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है। उनके रिश्ते जो हैं उनमें क्रैक्स आ गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 11 अगस्त तक दोनों अलग हो सकते हैं। माने जो उनका एक कहना चाहिए गठबंधन था वो शायद 11 अगस्त तक टूट जाए और राज्य में फिर से जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसद और विधायकों को अगले दो दिन में पटना में कॉल किया है। उधर आरजेडी भी इसी नक्शे कदम पर है। उसने भी सभी विधायकों को पटना में ही मौजूद रहने के लिए कहा है और नीतीश ने सोनिया गांधी से टेलीफोन पर बात की है। 11 अगस्त तक राज्य में एक नई सरकार बन सकती है। मंगलवार को तेजस्वी अपने सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे, मंगलवार यानी के कल। हालांकि सरकार के भविष्य को लेकर के जेडीयू नेताओं ने कोई भी ऐसी अभी ऑफिशियल अपना वर्जन नहीं दिया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए झंझारपुर के जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने ये जरूर कहा कि बिहार की राजनीति में कुछ नया होने वाला है। ये एक टर्निंग पॉइंट है और हम लोगों के पहुंचने से पहले ही वहाँ कुछ हो सकता है। ये भी उन्होंने संकेत दिया और उन्होंने कहा कि उनके नेता नीतीश कुमार हैं, वो जो फैसला करेंगे वो उन्हें मान्य होगा। इस बयान को लेकर के ये माना जा रहा है कि एनडीए सरकार को लेकर के नीतीश कुमार कुछ फैसला ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि शाम तक मैं आपको कुछ और अपडेट करूं। इधर राजद के राष्ट्रीय वक्ता शिवानंद तिवारी ने ये कहा है कि नीतीश कुमार राजद से बातचीत की पहल करते हैं तो वे तैयार हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि बीजेपी का 2 नंबर का बड़ा नेता पटना की सड़कों को अपवित्र करके चला गया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। बीजेपी के नेता को ये कहा है कि उन पटना की सड़कों को अपवित्र करके चला गया और उन्होंने ये कहा कि हम और अन्य क्षेत्रीय दल उस रास्ते को पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफर मिलने पे सरकार बनाने के सवाल पे उन्होंने ये कहा कि जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं, जनता के हित के लिए और दंगाइयों की सरकार को रोकने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। 2020 में नीतीश की पार्टी जेडीयू को 28 सीटें उनकी कम हो गई थी और वह 43 सीट पर आ गए थे, जबकि बीजेपी की सीटें 21 बढ़कर 74 हो गई थी, 21 से बढ़कर 74 पे पहुंच गई थी। इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। एनडीए को 125 सीटें और महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। इतना होने के बावजूद नीतीश का जो माइंडसेट है सातवें आसमान पे है। अब दोस्तों, नीतीश भाजपा से क्यों नाराज है? शायद उन्हें ये लगता है कि उन्हें सरकार चलाने के लिए खुल्लम खुल्ला नहीं छोड़ा गया है, उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया गया। चिराग के प्रकरण के बाद आरसीपी प्रकरण से भी
भाजपा से खफा है। और पिछले कुछ महीनों को देखें तो नीतीश ने कई अहम बैठकों से दूरी बनाई है। कुछ महीने पहले वो पीएम के कोरोना की जो बैठक हुई थी उसमें भी वो गायब थे, वहाँ नहीं पहुँचे थे। और हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दिए गए भोज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ समारोह में भी वो दिखाई नहीं दिए थे। राज्य में बिहार के बीजेपी नेताओं से भी वो मिल नहीं रहे हैं। सीएम लोकल स्तर पे कार्यक्रमों में शामिल तो हो रहे हैं लेकिन बीजेपी नेताओं से खुल के ना तो वो बोल रहे हैं ना तो वो उनसे मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसा संकेत है कि वहाँ कुछ होने वाला है, समथिंग इज कुकिंग देयर इन बिहार। तो अभी क्या होने वाला है अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ 16 अगस्त को तक जो है सरकार वहाँ कुछ नई शेप ले सकती है, कुछ नया हो सकता है, नई सरकार बन सकती है, मीन्स कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मैं आपसे कुछ और नए अपडेट्स लेकर के आपके सामने आऊँगी। फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, पसंद आने पे आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि मेरा जो भी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो ये सुविधा आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।